नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना काल में स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन कैसे मिल सकता है और इस पे क्या असर पड़ा है कोविड का, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेंगे कि कोविड का क्या असर है, कौन एजुकेशन लोन के लिए पात्र है, एजुकेशन लोन क्या क्या कवर करता है और इसका टेन्योर क्या है, हमें इसको कब चुकाना है, सिक्योरिटी क्या देनी पड़ती है यदि हम एजुकेशन लोन लेते हैं, और टैक्स में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ब्याज दर किस बैंक में कितना है, और विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। वैसे तो कोरोना की वजह से सारे विश्वविद्यालय, जो भारत के हो या विश्व के हो, उसमें काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। सभी का सिस्टम थोड़ा लेट लेट सा हो गया है। लेकिन तब भी यदि हमें इस कोविड पीरियड में भी यदि किसी विश्वविद्यालय में हमें एडमिशन मिलता है, प्रवेश मिलता है, जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलती है, तो हम अपनी उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं। हो सकता है कि कोविड पीरियड को देखते हुए आपको हॉस्टल की फीस या जो खाने पीने का खर्चा है, इसके लिए संभव है कि बैंक लोन ना दे, लेकिन आपके ट्यूशन फीस इसके लिए लोन मिल सकता है। इसलिए कोविड पीरियड में भी आपको आसानी से एजुकेशन लोन या स्टूडेंट लोन मिल सकता है। कौन कौन विद्यार्थी, कौन कौन स्टूडेंट इसके पात्र रहते हैं, तो जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष है, जो भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में या विदेश में अपना प्रवेश लेना चाहते हैं, वो इसके लिए पात्र हैं। वैसे तो इसमें कभी कभार जो विद्यार्थी रहते हैं उनकी आय कुछ भी नहीं रहती, इसलिए माता पिता को सह आवेदक के रूप में बना करके आप लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन क्या कवर करता है, अगला प्रश्न हमारा ये रहता है। तो एजुकेशन लोन आपके ट्यूशन फीस, आपकी बुक्स का खर्चा, आपका रहने का खर्चा और आपके लैपटॉप खरीदी आदि के खर्चे को कवर करता है। कभी कभार क्या होता है कि यदि आपका छोटा अमाउंट होता है, लोन का अमाउंट छोटा होता है, तो पूरा 100% बैंक फाइनेंस करता है, और बड़ा अमाउंट होता है तो उसमें कभी कभार बैंक थोड़ा चाहता है कि थोड़ा आप भी खर्चा करें, मतलब थोड़ा कम अमाउंट फाइनेंस कर पाता है। इसलिए उम्मीद, छोटा प्रयास ये करें कि छोटा छोटा अमाउंट ही, अपना जो जरूरत पूर्ता अमाउंट ही लोन के रूप में ले। लोन चुकाने की मोहलत क्या होती है, मतलब इसका टेन्योर कितना होता है। वैसे हर बैंक का टेन्योर अलग अलग है। 10 से 15 वर्ष के पश्चात, मतलब 10 से 15 साल इसका टेन्योर रहता है जिसमें हमें लोन चुकाना होता है। वैसे तो बैंक क्या करती है, आमतौर पर पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद या नौकरी लगने के 6 महीने बाद से इसका रिपेमेंट का शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। बैंक आपको मोरेटोरियम प्रदान करती है, तो उस समय का जो ब्याज है वो आपके मेन बैलेंस में जुड़ता जाता है और फिर इसकी किस्त बनती है और आपको वो चुकानी पड़ती है। बात की जाए सिक्योरिटी की, तो हमें कोई सिक्योरिटी देनी होती है तो हर बैंक के अलग अलग अपने अपने नियम है। सबकी जो न्यूनतम जो लोन की किस्त, लोन का जो अमाउंट है, ऋण अमाउंट है, ऋण का जो अमाउंट है वो अलग अलग है। लेकिन 7.5 लाख तक विभिन्न बैंकों में हम देखते हैं कि 7.5 लाख तक हमें कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। और यदि 7.5 लाख से अधिक का अमाउंट होता है, तो फिर हमें फिक्स डिपॉजिट का कुछ अमाउंट या हमें प्रॉपर्टी के कागजात या कुछ आपके जो सोना होता है, गोल्ड होता है ना, ये हम सिक्योरिटी के रूप में जमा कर सकते हैं। जब हमारा लोन पूरा हो जाएगा तब हमें ये वापस मिल जाएगा, तो ये हम कुछ रख सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी, यदि आपका प्रवेश भारत के जाने माने संस्थान जैसे IIT या IIM में हुआ है, तो आपको 40 लाख तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के डिफरेंट डिफरेंट जो बैंक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर बात आती है कि टैक्स में छूट, तो जी हाँ, 80E के तहत जो आयकर की अधिनियम है, उसके 80E के तहत लोन चुकाना शुरू करने के 8 साल तक आपको ब्याज पर टैक्स में छूट मिल जाती है, जिसका आपको या आपके फादर ने, यदि आपके पेरेंट्स ने यदि ये लोन लिया है, तो उन्हें भी आयकर में छूट का प्रावधान रहता है।
सबसे बड़ी बात कि कुछ बैंक के मैं ब्याज प्रतिशत बता रहा हूँ जो कि न्यूनतम दर 11 जून तक थी। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसका ब्याज प्रतिशत 6.75%, यूनियन बैंक का 6.80%, सेंट्रल बैंक का 6.85%, SBI का 6.85%, PNB का 6.90% और IDBI बैंक का 6.90% और केनरा बैंक का भी 6.90%। इस तरह से हम देखते हैं कि 7% तक का जो ऋण है मतलब ब्याज है वो 7% तक का हमारे लोन पर मिलता है। वैसे अभी वर्तमान समय को देखते हुए छोटा सा छोटा अमाउंट लेना उचित हो रहेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारा सेक्टर प्रभावित हुआ है जिसकी वजह से हमें लोन की रीपेमेंट में समस्या आएगी। तो प्रयास ये करिएगा कि अपने रीपेमेंट का पहले से ही एक सुदृढ़ योजना बना के रखें कि हमें कैसे रीपेमेंट करना है और किस तरह से हमें आसानी से अपना लोन का अमाउंट वापस रिपेमेंट करना है। थैंक यू सो मच। इसके बाद में और हम चर्चा करेंगे कि एजुकेशन लोन के क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।